हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक है, लेटर का टॉपिक है। लेटर को हिंदी में कहते हैं संदेश, और संदेश की ज़रूरत क्यों पड़ती है हम बेसिक जानते हैं। हमें अपनी कोई भी ओकेजन, कोई भी त्यौहार उत्सव वगैरह होता है तो, या फिर कोई गम, कोई दुख, कोई भी हमारी भावना होती है उसको शेयर करने के लिए हम लेटर्स का यूज़ करते हैं। चाहे बर्थडे सेलिब्रेशन हो किसी का, रिंग सेरेमनी, चाहे आपकी शादी हो, या फिर घर में कोई दुख ट्रेजेडी हो, हर चीज़ की शेयरिंग के लिए हम लेटर्स का यूज़ करते हैं आज तक। तो लेटर्स दो तरह के होते हैं, पहला होता है फॉर्मल, फिर होता है इनफॉर्मल। फॉर्मेलिटी पराए लोगों से की जाती है जो अननोन होते हैं या फिर दूर के रिश्ते में होते हैं, और इनफॉर्मल होते हैं जहाँ पर औपचारिकता नहीं की जाती है, वो हमारे निजी होते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं। तो इस प्रकार के दो तरह के हमारे पत्र हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। ओके, लेटर, लेटर को हिंदी में बोलते हैं पत्र, या फिर संदेश भी, पत्र के द्वारा संदेश ही भेजा जाता है तो आप पत्र कह सकते हो। हाँ, देर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर, देर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर। पत्र दो प्रकार के होते हैं, पत्र दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट दैट इज फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर, एंड सेकेंड वन इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर्स। ओके, फॉर्मल लेटर्स को हम कहेंगे औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र होता है हमारा ये, और जो इनफॉर्मल लेटर है इसे कहेंगे अनौपचारिक पत्र। ठीक है, तो दो पत्र हमारे हो चुके हैं। किस पत्र का कब यूज होता है, किस पत्र के अंदर क्या क्या संभावना, क्या क्या कह सकते हो कि आपको संदेश दिया जाता है, क्या क्या आपकी फीलिंग शेयरिंग की जाती है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे फॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स, ओके, दीज लेटर्स यानी ये पत्र, दीज लेटर्स आर रिटन, लिखे जाते हैं रिटन टू, किसको लिखे जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव जानते हो, प्रशासनिक सेवा, मतलब राजकाज की बात होती है, चाहे आपका कोर्ट हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, वकील हो, आपका भूमि से संबंधित आपका जो होता है, ठीक है, आय डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है, तो जहाँ भी गवर्नमेंट से या गवर्नमेंट से संबंधित कोई चीज़ आती है वहाँ आपको लिखना होता है। तो दीज लेटर्स आर रिटन टू एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, एंड ऑफिशियल, और ऑफिस ऑफिस वगैरह में हम इनका यूज करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर्स होते हैं उनको ही तो लिखेंगे हम, या फिर कोई ऑफिस में लिखेंगे, और ऑफिस में भी कोई ऑफिसर ही होगा जिसको हम लिखेंगे चीज़ों को, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हो गया, एंड बिजनेस फर्म, एंड बिजनेस,
बिजनेस फर्म जो व्यापारिक उद्योग इकाई होती है वहां लिखा जाता है। तो ये इस तरह का लेटर से जो हमको बिजनेस फर्म या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस वगैरह में यूज होता है, और इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं इन चीजों को हम लिखेंगे। दिस इंक्लूड्स दिस इंक्लूड्स, इसके अंदर शामिल किया जाता है किस किस को शामिल किया जाता है। ध्यान रखेंगे कंप्लेंट लेटर्स, कंप्लेन करनी होती किसी की, कंप्लेंट लेटर्स, ओके, लेटर टू एडिटर जो हमारे अखबार के जो एडिटर होते हैं उनको लिखा जाता है, लेटर टू एडिटर। क्यों ना हम डायरेक्टली इसको इस तरह से लिखते हैं जो समझ में आए आपको लाइन वाइज, चलो कोई ना, उससे जल्दी समझ में आएगा आपको। कंप्लेंट लेटर्स होते हैं, फिर आपका लेटर टू एडिटर हो जाएगा, लेटर टू एडिटर। इसके अलावा इंक्वायरी लेटर्स होते हैं, ओके, एप्लीकेशंस भी आ जाएंगे इसके अंदर, एप्लीकेशंस आ जाएंगे आपके, इंक्वायरी लेटर्स आ जाएंगे, हम लेटर भेज कर इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें इनके अंदर आती है जो आपके फॉर्मल लेटर्स होते हैं, यानी कि आपके औपचारिक पत्र होते हैं, इनमें आपको औपचारिकता पूरी करनी होती है। ध्यान रखेंगे जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं ये, इनको हम बाय ईमेल भी ट्रांसलेट सेंड कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे अलग से लिखेंगे फॉर्मल लेटर्स, फॉर्मल लेटर्स कैन ऑल्सो सेंड, उनको भेजा जा सकता है बाया ई मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, यू कैन सो अपन कंप्यूटर से इसको मेल कर सकते हैं किसी को भी, ठीक है। किसी की जॉब के लिए रिज्यूम भेजना हो तो भी भेज सकते हो, एप्लीकेशन के रूप में हो गया ना। तो ये होते हैं हमारे फॉर्मल यानी औपचारिक पत्र, इनको अच्छे से समझ सकते हैं। लेटर्स आर रिटन, ये पत्र लिखे जाते हैं किसको, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स यानी जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, कलेक्टर हो गया, जैसे कि आपको विद्यालय के बारे में भेजना है, आपके जमीनी इलाके के बारे में भेजना है, कोई भी आपको खबर भेजनी है। बिजनेस फर्म, अलग अलग फर्म होती है हमारी, उनको कंपनी को लिख सकते हो। इसके अंदर क्या क्या शामिल होता है, कंप्लेंट लेटर्स, आपको किसी के बिजनेस कोई प्रोडक्ट की समस्या है उसके लिए आप लिख सकते हो, शिकायती पत्र कह सकते हैं, लेटर टू एडिटर आपके इलाके का जो अखबार की जो न्यूज़ जहाँ पर छपती है वहाँ पे उस एडिटर को बोल सकते हो आपके इलाके की चीज़ों को अपडेट करने के लिए। एप्लीकेशन, इसके अंदर प्रार्थना पत्र लिखे जाते हैं जैसे स्कूल वगैरह में होते हैं, राइट। इंक्वायरी लेटर्स, आप किसी चीज़ की जानकारी चाहते हो तो ऑफिस में आप एक लेटर भेज के इंक्वायरी कर सकते हो, और इन लेटर्स को आप ध्यान रखें कैन ऑल्सो भी सेंट बाई ईमेल, इनको ईमेल के द्वारा भी आप कंप्यूटर द्वारा भी भेज सकते हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे सेकेंड वाला जो होगा हमारा इनफॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर इसे कहेंगे अनौपचारिक पत्र जो आप लिख चुके हो। अब इसके अंदर क्या क्या शामिल होता है, क्या क्या हम इंक्लूड कर सकते हैं, उन चीज़ों को देखेंगे। ये जो लेटर्स होते हैं या तो हमारे फ्रेंड्स को लिखे जाते हैं या हमारे रिलेटिव को लिखे जाते हैं, तो क्या लिखेंगे, दीज लेटर्स दीज लेटर्स आर रिटर्न
टू किसको लिखे जाते हैं, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स। हम फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को ये लेटर लिखते हैं। इसके अंदर क्या क्या शामिल होता है? ओके okay. दिस इंक्लूड्स, इसके अंदर शामिल होता है, इन लेटर में क्या क्या शामिल होता है इनको देखते हैं। फर्स्ट, या फिर डायरेक्टली लिखेंगे हम मैसेज, हम किसी को मैसेज कर सकते हैं, मैसेज के बाद में इनविटेशन दे सकते हैं किसी को, इनविटेशन। इसके बाद में आप उनको सजेशन दे सकते हो, सजेशंस हो सकता है। इसके बाद हम कर सकते हैं रिक्वेस्ट, किसी को प्रार्थना भी कर सकते हैं अपन, और थैंक्स भी बोल सकते हैं किसी चीज़ के लिए। जैसे कि हमको यहाँ पर किसी को धन्यवाद भी दे सकते हैं, या फिर किसी के दुख पे अपना किसी के दुख में दुख शामिल करने के लिए अपना दुख जता सकते हो, किसी का आभार व्यक्त कर सकते हो। ठीक है, तो एक अलग से लिख देते हैं द लेटर। एक पत्र लिखा जाएगा, किस चीज के लिए लिखा जाएगा, इसको स्पेशली क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसकी ज्यादा जरूरत होती है। ए लेटेस्ट ऑन एक्सप्रेसिंग, जिससे आप एक्सप्रेस कर सकते हो, एक्सप्रेसिंग सोरो। सोरो यानी क्या होता है, दुख। अब अपना दुख जाहिर करते हो। ऑन ट्रेजेडीज, ट्रेजेडी जानते हो, कोई ना कोई मृत्यु हो चुकी है उसके ऊपर। ट्रेजेडीज, ठीक है, किसी मृत्यु पर आप शोक अपना प्रकट कर सकते हो, और मृत्यु के साथ में आप किसी के लिए इलनेस भी कह सकते हो, किसी की बीमारी पर दुख प्रकट कर सकते हो, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये लेटर्स इस चीजों के लिए यूज होते हैं। इसके बाद में हम पार्ट ऑफ लेटर्स पढ़ सकते हैं, कि लेटर के पार्ट कितने हो सकते हैं। ठीक है भाई, दो तरह के पत्र हमने पढ़ लिए, एक होता है हमारा फॉर्मल लेटर, दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। लेकिन दोनों का कुछ लिखने का तरीका तो होगा ना, उसके अंदर क्या स्टेप्स होती है, क्या क्या चीज को किस स्टेप्स से लिखा जाता है, उनकी सारी चीजों को पढ़ें। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं उनके पार्ट्स, हिस्से करते हैं। तो पार्ट्स ऑफ लेटर, पार्ट्स ऑफ लेटर, हम सबसे पहले जो पार्ट रखेंगे वो रहेगा हमारा एवरी लेटर। हैज फॉलोइंग पार्ट्स, हर किसी लेटर के कुछ पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट दैट इज हेडिंग्स, हमको किसी भी लेटर की हेडिंग लिखनी होती है। हेडिंग का मतलब होता है उसका टॉपिक, किस चीज पर आप लेटर लिख रहे हो वो होना चाहिए। सेकंड, सेकंड रहेगा हमारा सैल्यूटेशंस, ओके okay, हमने हेडिंग लिखा, फिर देखेंगे लिखेंगे सैल्यूटेशंस।
सैल्यूटेशन। थर्ड पॉइंट रहेगा हमारा, देखो हेडिंग में टॉपिक लिखना है किस चीज के ऊपर है। सैल्यूटेशन आप किसी को रेस्पेक्ट से क्या क्या बोल सकते हैं, सैल्यूटिंग वो चीज आ जाएंगी। फिर आएगा आपका बॉडी, द बॉडी ऑफ द लेटर, उस लेटर में कंटेंट क्या है, द बॉडी ऑफ लेटर, बॉडी द लेटर, उस लेटर की बॉडी मतलब उसके अंदर क्या क्या कंटेंट आप फेंकने वाले हो, क्या हो जाएगा। फोर्थ नंबर रहेगा आपका सब्सक्रिप्शन, ये यूट्यूब वाला नहीं, ध्यान रखना सब्सक्रिप्शन का अलग मतलब होता है। आपको उनके बारे में जो भी इसको बोल सकते हो आप, जैसे किसी का कोई रिश्ता होता है तो, या फिर एक और चीज़ दिखा सकते हो रिलेटिव्स को, आप क्या क्या बोल सकते हो। टीचर को आप बोलते हैं स्कूल में, जैसे ओबिडेंटली होता है, अफेक्शनेटली होता है, सिंसियरली होता है, फेथफुली होता है, तो ये जो वर्ड्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन बोलते हैं इनको। सब्सक्रिप्शन। ओके, फिर फिफ्थ नंबर रहेगा हमारा, दैट इज एंड पॉइंट, द सिग्नेचर। आपने जिसने भी लिखा उसका नाम लिखना जरूरी होता है, द सिग्नेचर। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हमने लेटर का पढ़ा है, इसके अलावा आप डिटेल से लिखें समझें, और इसके आगे की जो हमने पूरे पांच टॉपिक्स लिखे, पूरे पांच जो पार्ट लिखे हैं, इन पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो इस वीडियो को आप अच्छे से समझें और राइट डाउन करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और पूरा टॉपिक पढ़ने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर, नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। थैंक यू।